अक्टूबर माह में 3 व 4 अक्टूबर को भंडारा के जिलाधिकारी संदीप कदम के आह्वान पर संपूर्ण भंडारा जिले में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन साकोली तहसील में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप के कारण पिछले 7-8 दिनों से साकोली में प्रतिदिन 15 से 20 कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। इसमें भी करीब 3-4 कोरोना के मरीजों की मृत्यु हो गई, जो कि चिंता की बात है। इसे लेकर साकोली के नगर परिषद में सभी राजकीय पक्ष के कार्यकर्ता, व्यापारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता व प्रतिष्ठित नागरिकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें से सभी के स्वीकृति से 7 अक्टूबर से रविवार 11 अक्टूबर तक जनता कर्फ्यू का आयोजन का निर्णय लिया गया। 7 अक्टूबर से दूध, पानी, अस्पताल व मेडिकल स्टोर के अलावा सभी व्यापार बंद रहेंगे। साकोली नगर परिषद की मुख्याधिकारी माधुरी मड़ावी ने कहा कि कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इस चैन को तोड़ने के लिए सभी से जनता कर्फ्यू में बिना कारण बाहर ना निकले, अपना तथा परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें, जरूरी होने पर मास्क पहनकर ही बाहर निकले तथा जनता कर्फ्यू को सभी ने सहकार्य कर सफल बनाने का आह्वान किया। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए YouTube, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।